चुनौती हमने पिछले 49 साल में, तो आगे भी एक चुनौतियाँ हैं कि किस तरह से पर्यटन और सारी चीज़ों को मेंटेन कर किया जा सके। एक तो पूरी केमियन फैमिली को बधाई देना चाहूँगा, 49वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है, और इनके MD साहब को जिन्होंने इस बात को शुरू किया कि हम फाउंडेशन डे को मनाएं, इसको सेलिब्रेट करें। निश्चित रूप से इतने लंबे सफ़र में बहुत सी उपलब्धियाँ रही हैं। केमियन की सबसे पहला अचीवमेंट तो यही रहा है कि जब जहाँ टूरिज्म था ही नहीं, किसी ने भी शुरुआत नहीं की थी, वहाँ पे सबसे पहले जाके शुरुआत की, कैंप्स चलाए, टेंट्स से शुरुआत की, अच्छा साइट सिलेक्शन किया। आज भी जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आई थिंक साइट सिलेक्शन से बहुत ही बेहतरीन है। चुनौतियों की बात करें तो अभी भी वो टेरिटरीज़, अब जहाँ पे हमें नए सिरे से टूरिज्म शुरू करना है, जैसे आज कुमाऊँ की बात करें तो निश्चित रूप से आदि कैलाश में, दारमा में, कुछ समय के बाद मिलम में, यहाँ पे हमारे इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स इस तरह के हों जो कि पर्यावरण से तालमेल बिठाए। जो बात होती है इकोलॉजी एंड इकोनॉमी की, उसमें एक अच्छा बैलेंस रखें ताकि हमें जो टूरिज़्म मिले, एक क्वालिटी टूरिज़्म मिले, जिससे आय निगम की तो बढ़े ही, लेकिन जो लोकल्स हैं वो ये ना महसूस करें कि वो इससे छूट गए हैं, वो इसको अपना पार्ट महसूस करें, और ऐसा टूरिज़्म जो इको टूरिज़्म हो, इको फ्रेंडली हो और एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचाए। यहाँ पे भी आज एक डेक का और पीछे दीवार का निर्माण, ये बहुत अच्छा मैं समझता हूँ इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया। एक तो जो बाखली बनी है और जो डेक है, इसमें एक तो पहली बात तो इसकी लोकेशन है वो तो खैर गजब है ही, उसके फ्यूचर पोटेंशियल्स हम सोच सकते हैं भी। मैं इस बात को एक्सप्लोर कर रहा था, जो मैं लंबे समय से सोच रहा हूँ भीमताल के लिए, कि अगर हम यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो करते हैं तो इशू यही आ रहा था कि इसको किस तरीके से इसकी टिकटिंग की जाए, क्योंकि लेक चारों तरफ से खुला हुआ है। अब अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, इसको मैं पता करवा रहा हूँ, अगर VR ग्लासेस के माध्यम से, अन्य ग्लासेस के माध्यम से, ताकि इन्होंने ग्लासेस पहने उनको ही दिखे, और हम ये टिकटिंग कर सकें और इसको चलाएं, तो इस पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी एक्टिविटी है जो कि ज्ञानवर्धक भी है, रोचक भी है, और इससे इनकम भी बढ़ेगी और किसी भी तरीके से पोल्यूटिंग एक्टिविटी भी नहीं है। इस पर विचार किया, मानसून को भी एक्सप्लोर करना होगा, क्योंकि ये नज़ारे